खरगोन जिला मुख्यालय की जीवनदायिनी कुंदा नदी में पानी की कमी होने से नदी पर बने बेरा जहां से पूरे शहर को पानी बांटा जाता है वहां भी पानी लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है, जिससे इस बेराज में पानी की जगह जिधर देखो वहां रेत ही रेत नजर आ रही है। शहर के अधिकांश हिस्से में लोगों को पानी नहीं मिलने से हाहाकार मचा हुआ है। देखा जाए तो इतनी भीषण गर्मी से खरगोन देश ही नहीं विश्व में तापमान में नंबर वन का दर्जा पा चुका है। वहीं इतनी गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिलने से परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है, मगर जहां नल में पानी आ रहा है वहां का नज़ारा तो ऐसा है जैसे एक अनार सो बीमार, यानी एक नल है जिसमें पानी भी कम आ रहा है मगर उस पानी को भरने वाले सैकड़ों की तादाद में हैं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, वही ऐसे में रोजदार को भी पानी की परेशानी उठाना पड़ रही है। ऐसे में एक रोजदार हाथ ठेला या कार लेकर नहीं 16 टायर का ट्रक लेकर बैराज पर पानी भरने चला आया। बैराज के अंदर से चल रहे नल से ट्रक में रखी टंकियों को भर रहा है। लगा रखा अपने पानी के लिए, पानी भर रहा है सर, पानी की बहुत कमी हो गई है सर, पीने तक का पानी नहीं है। अभी रमजान महीना चल रहा है, रोजदार है, फिर भी पानी भरने यहाँ तक आना पड़ रहा है। ट्रक लेके आना पड़ा, वाटर वर्क्स लेकर आया सर, अब क्या करें, नल नहीं आया, नल आए दो दिन से, नल नहीं आया सर, तीन दिन से नल नहीं। बैराज में पानी की कमी की सूचना मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गौर, नगर पालिका उपाध्यक्ष कन्हैया कोठाने, मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशिकांत शुक्ला, नगर पालिका AE कमल सिंह और जल प्रभारी KK जोशी बैराज पर पहुंचे और वहां की यथास्थिति की जांच की, जहां उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पर बैराज का मशीनों से गहरीकरण किया जा रहा है तो कुंदा नदी पर बनी पालों को तोड़कर पानी को सीधे बैराज तक लाया जा रहा है, तो वहीं बैराज से रिसते हुए पानी को भी मोटर पंपों से बैराज में डालने का काम किया जा रहा है। वहीं CMO शुक्ला ने बताया कि जल्द ही शहरवासियों को पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। देखिए, देजला देवड़ा और खारक से जो हमारा पानी आरक्षित है वो हमने दो दिन पहले ही छुड़वा लिया था, लेकिन रास्ते में काफ़ी सारे पंप मोटर लगे हुए हैं और लोगों ने अपने हिसाब से जो अवैध उत्खनन करने वाले हैं उन लोगों ने खुदाई के गड्ढे भी काफ़ी सारे कर दिए हैं, तो पानी उनमें पहले भरने के कारण पानी आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। अब पानी हमारे बैराज पर पहुँच गया है और उसी को आप देख रहे हैं कि हम लोग ये सब काम में लगे हुए हैं और अब पानी हमारा यहाँ से चालू हो गया है। एक आध दिन में शहर की जल व्यवस्था जो है सुचारू हो जाएगी। पोकलेन भी लगी हुई है, क्या गहरीकरण का काम चल रहा है? हाँ, क्या बैराज के गहरीकरण का काम कर रहे हैं जिससे कि पानी का यहाँ पर जो लेवल है वो बना रह सके। आगामी समय में पानी की समस्या तो नहीं आएगी शहर में? नहीं, बिल्कुल नहीं आने देंगे, हम लोग सचेत हैं और सजग हैं इस मामले में और निरंतर निगरानी रखते हुए हैं। नया वाटरवर्क्स कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? नया वाटरवर्क्स PIU के द्वारा बनाया जा रहा है, PIU का सुपरविजन है उसमें, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक उसका काम पूर्ण हो जाना चाहिए।